तो देहाती चूहे कितना पैसा दे रहे हैं वो लोग तुझे? ठीक ठाक दे रहे हैं, हम खुश हैं। हाँ, बड़ा प्यारा वफादार कुत्ता है ना तू। I tilted my body as far as I could from his face. तेरे मालिक को कुछ भी चाहिए, सब है अपने पास। फॉरेन वाइंस, गोल्फ बॉल्स, लौंडियां। तो अब आपको हम फॉर्मली वेलकम कर लेते हैं। वेलकम नलनीश नील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आज आपके साथ मैं लाइव हूँ। भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों का बस जनता का प्यार है, आप लोगों का बड़प्पन है, बस यही है, बस ऐसे ही गॉड से यही गुजारिश है कि मतलब चलता रहे जैसे सिलसिला चल रहा है। और मैंने सोचा ना कि आप इससे पहले कि बहुत फेमस हो जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन तो आपको मिल ही गया है, तो इससे पहले कि आप बहुत फेमस हो जाएं और हमें इंटरव्यू ना दे पाएं, तो उससे पहले ले लेते हैं। नहीं, अच्छा है, बट मेरा ये मेरी कोशिश है ये कि देखिए क्या होता है कि इंसान बिजी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरे साथ क्या, आज भी मुझे कोई कॉल करता है तो भले ही मैं उसका पिक ना कर पाऊँ, लेकिन मैं उसको रिप्लाई तो मैं जरूर करता हूँ, चाहे थोड़ी देर बाद उठाऊं लेकिन मैं उनको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं अपने को ये ऐसा रखना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर मेरे पास में कितना भी काम रहे, एटलीस्ट मैं उनको हाय ना बोल सकूं, रिप्लाई तो कर सकूं समय में सबको, ये मेरी कोशिश रहेगी। बट लेट सी इन फ्यूचर, नो वन एक्चुअली नोज अबाउट फ्यूचर, नो वन कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। एग्जैक्टली, और कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो अब क्या है कि लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जब खुदा हुस्न दे देता है तो फिर वो इतनी सारी नजाकत आ जाती है कि वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। नहीं चाहिए, मतलब मुझे इतना है कि मेरा अंतर है, और मैं जैसा रूटेड हूँ गांव से हूँ तो मैं वैसे ही रहूँ, और अभी तक तो वैसे ही है। हाँ, तो अब आपने गांव का जिक्र जो छेड़ दिया, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि आप आते हैं उत्तर प्रदेश के बिसलपुर पीलीभीत गांव से, और वहां से चलकर आपका सफर मुंबई तक पहुंचा और मुंबई से लंदन पहुंचा। पर हम शुरू करते हैं आपकी एक्टिंग से, जो ऑफ कोर्स वहीं पर शुरू हो गई होगी जब आप छोटे। हमारे इधर नौटंकी की प्रथा है यूपी में। हाँ। तो नौटंकी जब किसी का रेस्टोरेंट होता था या कहीं शादी बारात होती थी तो उसमें नौटंकी भी आती थी, तो मैं जाता था देखने, रात रात भर नौटंकी भी देखता था बैठ के। तो उसमें एक जो लोगों को हंसाने आता है, जोकर भी रहता है बीच में, और वो लोग अपना एक प्ले भी रात में खेलते हैं, बहुत ही सुंदर वो विधा है, लेकिन वो धीरे धीरे यू नो लाइक समय के अनुसार वो विलुप्त होती जा रही है। अब तो बहुत ही कम होता होगा। तो नौटंकी में देखते मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ परफॉर्म ऐसा अच्छा लगा। तो ऐसे ही करते करते अभी अपना मेरा ज्यादातर मेरा जो बचपन है, मेरा जो मैटरनल होम है, ननिहाल है मेरा, वहां पर मेरा ज्यादा भी तो आप चीजें देखता रहता था, मतलब खेत में काम करते करते गाने लगता था, गाता था तो लोगों को अच्छा लगता था, अरे भाई तो तुम तो अच्छा गाते हो, भले ही सुर एकदम खराब है लेकिन गा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है नहीं अच्छा गा रहे, उनको थोड़ी पता है, उनको लगता था क्या गाना गा रहे हो, बस बहुत अच्छा था। धीरे धीरे प्रशंसा मिलती रही, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे ये काम करना है। फिर मैंने बीए किया, बीए करते करते तो आपने मैंने फोटोग्राफी की है ना, पढ़ाई तो आपने शाहजहांपुर में करी? पढ़ाई मैंने की है बीसलपुर में, वहां पर जो कॉलेज है डिग्री कॉलेज, हमने वहां से हमने पढ़ाई की है, और इंटर भी मैंने वहीं से किया, हाई स्कूल इंटर और बीए भी मैंने वहीं से किया है। तो उस समय वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता था, तो जो शादी बारात थी किसी का डस्ट होना किसी का बर्थडे होगा तो फोटो खींचना पहुंच गया भैया हमारे आना फोटो खींच देना आगे, तो वो एक और वीडियो बना रहा ऐसे करके पकड़े रहते थे पैनासोनिक कैमरा 7000 ऐसे पकड़ के, मतलब मुझे लग रहा है आप भी ऐसे दुल्हनों से पोज बनवाते थे ये वाले हैं। मतलब दुल्हन रहती थी बोलते थे इन्हें ऐसे करके बैठो, मेहंदी दिखाओ, फूल को ऐसे पकड़ो, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मुझे लग रहा है कि 150 शादियां तो मैंने करवा दी होंगी, और उसमें क्या होता था, हाँ 150 मैंने शादियां करवा दी, एक रात का 300 रुपया मिलता था, और वो लेकिन अच्छा लगता था कि मेरा जो पॉकेट मनी भी मेरी हो जाती थी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मेरा हो जाता था। और उस समय क्या था कि दूल्हे के बाद में जो कैमरामैन होता था वो दूसरा दूल्हा होता था, लोग उसको इतना अटेंशन देते थे कि भाई बस दिखाओ फोटो कैसा था। वो तो बहुत ही भी होता है आपको अभी अभी भी होने लगे, अभी भी हो ही रहा होगा। तो ये हुआ, फिर मैंने क्या किया, जागरण में गाना शुरू किया, जागरण में भी जो रात में माता रानी के जगराते होते हैं उसमें
गाना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लेते हैं, तो जैसे हल्का फुल्का मार्शल आर्ट सीख लिया, आई एम नॉट एक्चुअली मास्टर इन ऑल दैट बट थोड़ा थोड़ा कि सब आना चाहिए। फिर ऐसे करके वहां पर मेरा दोस्त, मेरे दोस्त क्या मेरे गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनसे मैंने डांस में सीखने जाया करता था, मोहन नाम है उनका, तो वो लोग पहले मुंबई आ चुके थे, मुंबई आ चुके थे, अपना ऐसे ही लोग होते हैं, चलो भाई हम भी किस्मत आजमाने चलिए, तो उनको मुंबई का एक्सपीरियंस था कि मुंबई ऐसे ऐसे होता है, बट उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा थिएटर मतलब मैं एंट्री कैसे करूं, तो दूरदर्शन पे पहले आता था कलाकार करके सीरियल आता, मुझे ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी जाना चाहिए। उसके लिए मैं बरेली गया, थोड़ा बहुत इंटरनेट मैंने सीख लिया था, उसमें जो बेसिक टेली वगैरह रहता था, मुझे लगा टेली जानने और मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं गया, लेकिन वो फॉर्म उसमें भी कुछ नहीं, उसमें बाद में पता चला वो भी सब, क्योंकि वो मेरे बीएनए से सब लोग सीखे हुए लोग हैं, उसमें गीरा सिंह रावत मेरे एक सीनियर उसमें कलाकार बनाते थे, बाद में मुझे पता चला ये सब लोग ट्रेंड लोग हैं। फिर मुझे पता चला कि शाहजहांपुर में थिएटर होता है, रामलीला में राजपाल यादव जो है वो मतलब रामलीला करते थे, तब उस समय मुझे पता चला अच्छा राजपाल यादव वही जिनके बारे में मतलब पेपर में पढ़ता रहता, अच्छा ये राजपाल यादव, तब मुझे पता चला कि राजपाल दादा जो है वहां पर शाहजहांपुर में उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। फिर हालांकि मेरी रिश्तेदारी तो उस समय मतलब ज्यादा थी नहीं, मतलब कि मैं जाऊं एक शहर से दूसरे शहर वहां मैं रुक जाऊं ऐसा कुछ नहीं था, उसी दिन छोटी उस समय छोटी लाइन थी, अभी बड़ी लाइन हो गई है, अभी उसको चलना शुरू नहीं हुआ है, तो मैं छोटी लाइन में मतलब मैंने उसी रात मैंने टिकट कटाया और मैं सीधे शाहजहांपुर चला गया। वहां पर मैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता था, तो उसके माध्यम से मेरे लिंक बन गए थे, मैंने हेल्प की किसी बंदे की हेल्प की शाहजहांपुर में, तो पता कि आ जाइए यहाँ पर, और फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने बताया कि ये सामने जो कॉलेज है इसी में थिएटर होता है, लोग करते रहे कुछ, मैं गया तो पहले मैं एक अभिव्यक्ति एक संस्था है, शायद उन लोगों को भी नहीं पता होगा अभी, तो अभिव्यक्ति संस्था है शाहजहांपुर में, उनके पास गया, तो वहां पर मैं शमीम आजाद जी से मैं मिला, वहां पर वो एक संस्था चलाते हैं, तो वो बात वहां पर शायद कुछ बन नहीं पाई, क्योंकि आप नए नए आप जाते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं आज ही रख ले आपको ऐसा कुछ। फिर उस वहां पर मुझे पता चला जो शाहजहांपुर में जो रंगमंच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जरीफ मलिक आनंद मतलब उनका बहुत बड़ा मतलब नाम है, उन्होंने पूरा ये एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मैंने सोचा उनसे कैसे मिला जाए। फिर वो एक्चुअली वो है पत्रकार, तो अभी अभी शायद अभी कौन सा पेपर चला रहे हैं नहीं पता, उसमें अमर उजाला और दैनिक भी कर चुके हैं, हिंदुस्तान भी कर चुके हैं वो, तो मैं उनके पास गया, एक तो दाढ़ी एकदम बड़े हट्टे कट्टे से, तो बोलते हुए डर लगता था, हर आदमी तो उनसे पूछते सवाल पूछते हुए डरता था, हमको भी डर लगता था कि पता नहीं कुछ बोलने, तो मैंने कहा सर मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहता हूँ, और तो बोले कि हर कोई राजपाल यादव नहीं बन जाता है, मैंने कहा सर मतलब मैं मुझे राजपाल यादव तो मुझे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं बनना है, मुझे नलनीश बनना है और ट्राई करते रहे कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ऐसे करके संस्था में मेरी इंटरव्यू हुई, फिर कुछ दिन मेरा आना जाना बीसलपुर टू शाहजहांपुर लगा रहा, फिर मैं शिफ्ट हो गया, ओनली फॉर थिएटर आई शिफ्टेड इन शाहजहांपुर। अच्छा, तो हाँ मैंने कमरा लिया वहां पर और अपना वहीं पर योगा मार्शल आर्ट अपना करता था, और फिर मैंने पहला नुक्कड़ किया था अंधेरे के खिलाफ, जो बंडा में जहाँ पर राजपाल दादा का घर है, तो वहां पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया था अंधेरे के खिलाफ, तो वो मेरा पहला था, और उसकी जो पेपर में कटिंग निकली थी, तो मैं बीसलपुर से निगोही करके जगह है वहां गया सिर्फ पेपर की कटिंग लेने के लिए, ले गया वो मैंने, तो वो अच्छा लगता ना कि आपको ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा अंदर और अच्छा लगने लगा कि आपका फोटो भी मेरा उसमें था, तो वो एक अलग ही एक धीरे धीरे करके प्लेयर्स शुरू हुए, तो वहां पर दिलीप आनंद जी जो कि हमारे गुरु हैं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो वो गोदान कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का, तो उसमें एक हमारे एक जो हमसे पहले आते हैं ना लोग आते, तो हम लोग उनको दादा सीनियर ऐसे बुलाते हैं, तो रमापति दुबे सोती जी जो उस समय वो हीरा का रोल कर रहे थे, उनको शायद डेंगू हो गया था, तो डेंगू हो गया तो दिलीप दादा ने बोला कि ये रोल जो है तुम तैयार कर सकते हो, देखो कैसे होगा, तो मैंने तैयार किया, ऐसे करके मुझे वो हीरा का कैरेक्टर मिला। तो एक फेस्टिवल में अलीगढ़ में मतलब फेस्टिवल हुआ एकता का, और आजमगढ़ में हुआ, तो हम लोग वहां पर गए, हमने वो प्ले किया और मैंने वो कैरेक्टर किया, तो एक क्लैप मिलता है ना ऑडियंस का, तो आपको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, ऐसे मेरी थिएटर में शुरुआत हुई। तो बीएनए कैसे गए फिर आप, उसके बाद फिर बीएनए अप्लाई किया और बीएनए में एडमिशन ले लिया? बीएनए फिर वहीं से शाहजहांपुर में, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में, तो हमने कुछ कोरोनेशन आर्ट की एक दूसरी संस्था बनाई बीसलपुर में, दिलीप दादा को हमने वहां पर बुलाया, उनकी एमएसटी वन भाई आते रहते थे, और उन्होंने दो हम लोगों ने वहां पर प्ले भी किए थे, एक अलगोजा एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की,
तो वो हमने की और ऐसे करके हमने शुरुआत की। फिर वहां पर जो नौटंकी विधा मैंने बताई है उसमें राधा रानी जी जो है वो नौटंकी मतलब जब शुरू हुई उन्होंने बहुत पुरानी है वो, तो उनसे मैंने नौटंकी की थोड़ी तैयारी करने के लिए बीने के लिए मैंने कुछ बारीकियां मैंने उनसे सीखी, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं और हर हर चीज वो पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सब सब कुछ सीख लेते हैं, जस्ट लाइक हारमोनियम कैसे बजाते हैं, ढोलक कैसे बजाते हैं, तो थोड़ा बहुत चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ मैंने सीखना शुरू किया और दिल्ली भी मैं गया था क्योंकि सुना है एनएसपी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहां पर भी चयन होता है लोगों का। तो देखिए जो किस्मत में आपके होता है मिलता वही है। हाँ, वो तो है। मेरा और एक्टिंग के लिए तो खासकर ऐसे ही बोलते हैं कि लक मैटर्स अ लॉट। हाँ हाँ, तो मेरे लिए क्या था कि मुझे एक जगह जाना था, मेरा कहीं हो जाता, चाहे मेरा एनएसपी हो जाता चाहे मेरा बीएनए हो जाता, लेकिन अगर मैं एनएसडी बीएनए नहीं गया होता तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सरवाइव करना मुंबई में मुश्किल हो जाता। अच्छा, तो गॉड की मेहरबानी रही है हमेशा से शुरू से मेरे ऊपर। तो कौन से साल में मतलब वहां पे बीएनए कब कब कंप्लीट हुआ और मुंबई कब आया? 2008 एक्चुअली आई वेंट टू आई जॉइंड बीएनए एंड इन 2010 आई शिफ्टेड इन मुंबई। सो 2008-2010 आई वाज देयर। अच्छा, तो मैं जब बीएनए गया, बीएनए जाने के बाद में मैं एफटीआई गया जो भी 4-5 महीने के लिए, तो वहां के चीजें सीखने को मिली। फिर मुंबई में क्या है बहुत सारे सीनियर्स हैं। हाँ, तो बीएनए के अच्छी चीज ये है कि देखिए कोई किसी को बिठा के ये नहीं कर सकता कि भाई नहीं ये लड़का है इसको आप डायरेक्टर साहब इसको ले लीजिए और कास्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं। काम आपको आपके टैलेंट से मिलेगा और वो जब आप एक काम करते हो आपके प्रोफाइल में आपको बोलने को हो जाता है नहीं मैंने ये फिल्म की है और ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हो। तो लेकिन मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो मुझे क्या लगा मेरे सारे सीनियर्स हैं मुंबई में तो डर नहीं है कि कुछ भी होगा तो सारे सारे खड़े हो जाए। फिर बात हो गई मुंबई में धीरे धीरे करके, उसमें जस्ट डायल शुरू हुआ था। तो साइबर कैफे जाके मैं जस्ट डायल पे जाके वहां से एड्रेस निकालता था प्रोडक्शन हाउसेस वहां से मिल जाए डायरेक्टरी भी लेते हैं और तो मैं जाता था तो मतलब दो अच्छा बढ़िया। तो ये तो हो गई कि आप आ गए पहुंच गए। अब पहला काम मैंने अच्छे दिन देखी थी कुछ दिन पहले आपकी शॉर्ट फिल्म। हाँ, जो कि हाँ, ग्रेट कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशंस और बहुत अच्छी स्टोरी। मतलब आपको बहुत बहुत बधाई उस फिल्म के लिए। तो 9 से 10 मिनट की फिल्म है, आपको इतना अच्छा फील करवाती है और बता देती है असलियत की आम आदमी की कोई वक्त नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। और वो जो लास्ट सीन है ना वो आपको याद रह जाता है जब आपकी आंखों में आंसू हैं और आप बेबस हो कि क्या करूं मैं, यू नो। तो वो वाली जो फिल्म थी जो लार्ज शॉर्ट फिल्म्स आपकी यूट्यूब पर आई उसके बाद से मुझे लगता है कि काफी आपको हेल्प मिली होगी। उसके बाद से हेल्प काफी जो है हेल्प मिली, बट उससे पहले की कहानी थी। मतलब उसमें था एक्चुअली ऐसा कि जब मुझे पहला काम मिला तो मैंने सीरियल्स भी मैंने काफी किए हैं एपिसोडिक, आहट, सावधान इंडिया, सीआईडी, शपथ। अच्छा, ये मतलब लेकिन मैं हमेशा हमेशा जो है मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उसने जो है जो एक्टर्स होते हैं ना जो आते हैं तो उनकी जीविका, उनका रेंट, उनकी सारी चीजें, तो उसने वो बहुत हेल्प किया मेरे लिए। और मेरे काम था, मुझे लगा कि मेरे एक सीनियर हैं महेंद्र श्रीवास्तव दादा, तो उनको कोई मिला था रोल। पहले इम्तिहान करके एक सीरियल आता था महुआ चैनल पे, तो उन्होंने बोला गुंडे का रोल है, मैं नहीं कर पा, मैं कुछ शायद कहीं कुछ और कर रहा हूँ और तुम देख लो। तो मुझे लगा कि इस बार लगता है विलन मुझे कास्ट कर दिया गया है, तो मैं गया। लेकिन वहां पर मैं जब गया तो मैं डंडा पकड़ के खड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो ऑकवर्ड फील हो रहा था। और ₹1,000 उस समय मिले थे जिसमें से ₹300 उसी ने खा लिए थे, ₹700 मिले थे, 700 में 600 मिले, वो मिले 6 महीने बाद फोन कर करके उतना सब कुछ हो गया था ऐसा। फिर वो धीरे धीरे करके जो है सीरियल ऐसे करता था, 2,000-3,000 ऐसे मिलता रहा। लेकिन वो एक अंदर अंदर एक कसक होती ना कैसे मिलेगा क्या करेंगे, तो फिर क्या सुपर कूल है हम। उसी समय क्या था, उससे पहले एक अच्छी चीज ये थी कि राजपाल एक फिल्म बना रहे थे अता पता लापता। तो अता पता लापता आ रहे, तो मैं उनसे गांव में भी मिला, उनके साथ फोटो मैंने खिंचवाया। लेकिन जब मैं जाता था मैं मेरे समझ गया था मैं उनसे क्या बोलूं, मैं जस्ट उनको खड़ा दो दिन उनको देख रहा था खड़ा खड़ा। बोले उनको भी लग रहा होगा लड़का मुझे घूरे जा रहा है। तो जैसे तैसे करके मैं गया, मैंने कहा चरण स्पर्श और मैं मनीष, मैं कोरोनेशन से हूँ जहाँ से आपने किया है,
और वहीं से मैं भी हूँ, दिलीप दादा को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं बीएनएस हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे हाथ रखा, ओके बीएनएस हो, ठीक है। तो वो एक अच्छा लगा। दूसरे दिन जब मैं आ गया तो उनका फोन आया कि वो नल्लीश एक लड़का आया था बीएनए का, उसको बुलाओ। तो हम 6-7 लोगों को बुलाया था और हम लोग 45 डेज वी वर देयर एंड वी लर्न्ड लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली फ्रॉम देयर। तो उस समय मुझे अकेला कैमरा, अकेला क्या होता है, जिम में जिम क्या होता है, कौन से शॉट्स कैसे होते हैं और मतलब कैसे शूट होता है, वो सब मैं 45 डेज में देखता रहा और मुझे सीखने को धीरे धीरे करके मुझे मिलता चला गया। फिर क्या सुपर कूल है फिल्म मिली, तो उसमें चंकी पांडे जी के साथ में काम होना था बट वो नहीं हो पाया, वो शायद उनका फिर वो फोटो स्टिल ही रह गई वहां पर। तो फिल्मों में थोड़ा थोड़ा काम ऐसे करके मिलता रहा। एक फिल्म शूटर थी विश्राम सावंत जी की, रणजीत हुड्डा जी के साथ मैंने काम किया, वो ऐसे रिलीज नहीं हुई। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके मिलता रहा, लेकिन जो चाहिए था वो कभी मिला नहीं। तो लाइफ ऐसी है कि आप घर से भी अच्छे नहीं हो, मुंबई में आप सिर्फ इसी एक्टिंग बदौलत ही हो, तो बहुत सारे अप्स डाउन आए, बहुत निराश हुआ, तो बहुत ज्यादा निराश हुआ एक दिन, तो मुझे लगा कि अभी कैसे क्या होगा। लेकिन एफटीआई की बदौलत ही, एक हमारे फ्रेंड हैं तसद्दुक अहमद, जो एफटीआई में एफए का कोर्स करने आए थे, उस समय मुझे मिले थे, 5 साल बाद उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, एफबी पे मैसेज भेजा कि मेरा डायरेक्टर जो है वो आपसे बात करना चाहता है, वो फिल्म बना रहा है, उसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्राइमरी रोल है, तो वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन थोड़ी सी एनर्जी आई कि मतलब मुझे लग रहा है कि अभी कुछ होने वाला है। तो उनका डायरेक्टर का नाम है संजीव डे, तो वो आसाम से है वो, और वो मुझे मिले। 7-8 बार मेरा ऑडिशन हुआ, तो 3 Smoking Barrels उस फिल्म का नाम है जो कि नेटफ्लिक्स पे है। और तो मुझे मतलब म्यूट मैन का मुझे रोल प्ले करना था। और उस तो फिल्म से, अच्छे दिन से पहले की बात है या बाद की बात है? अच्छे दिन से पहले की बात, पहले की बात है। अच्छा, ये अच्छे दिन से पहले की बात है। तो मैं आसाम गया और पहली बार किसी डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे सम्मानजनक पैसा दिया। सम्मानजनक से ज्यादा बड़ी चीज ये थी कि मेरे लिए वो बड़ा रोल था और लोगों ने काफी किया उस फिल्म में। एक्चुअली उस फिल्म में मैंने सीखा है, उसमें मेरे अपोजिट में सुब्रत दत्ता दादा थे जो कि एनएसडीज हैं और उन्होंने उस समय 30-35 फिल्में कर चुके थे, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत था, तो मैंने उनसे सीखा। और मैंने एक्टिंग कैमरे के सामने, एक्टिंग क्या होती है, कैमरे के सामने क्राफ्ट क्या होता है, वो मैंने सीखा। सो आफ्टर दैट यू नो लाइक मैंने अप्लाई किया दूसरी फिल्मों में वो टेक्निक। अभी क्या है, वो धीरे धीरे उसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो वो फिल्म मैंने की, उसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर सकता हूँ। फिर मैंने प्ले किया एक हसीना पांच दीवाने, सोलो परफॉर्मेंस। हाँ, सोलो परफॉर्मेंस वो तो आप करते हैं अक्सर, अभी भी करते हैं ना। 55 मिनट का है वो, मैंने किया। तो पहली बार वो मतलब स्टैंडिंग ओवेशन उसमें मिला था और लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक है। तो मेरा जो बैचमेट है अरुण कुमार मित्र, वो उस प्ले को भी देखने आया था। अच्छा, उस समय हमारा मूवी जो है वहां पर, मेरी उनसे वहां पर अभिषेक भाई हैं, तो उनसे मेरी थोड़ी सी अच्छी जान पहचान थी, एक दो बार मिला भी था, उन्होंने बुलाया, ऐसे दोस्ती होगी। तो ये फिल्म बना रहा था मेरा बैचमेट, तो ये एक अभिषेक लड़का है अभिषेक पाल, उसको लेके ये बना रहा था ऐसे करके। फिर इसने मुझे बोला यार फंड चाहिए कुछ, ऐसे कुछ हो सकता है बताओ। मैंने कहा देखो यार मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारा मूवीज में जो है एक मेरे दोस्त है अभिषेक, मैं उनको जानता हूँ, उनसे मैं कनेक्ट करवा देता हूँ और मिल लो। अभिषेक को जब ये अरुण कुमार मित्र मिले तो स्टोरी उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने बोला कि ये अरुण ने बोला कि देखो मिलवाया तुमने है तो भाई ये रोल तुम ही करोगे। तो ऐसे करके दोस्तों के सहयोग से हम लोगों ने 4-5 दिन में शाहजहांपुर में पूरा शूट किया अच्छे से। वो एक अलग ही, हाँ अलग ही एक्सपीरियंस था वो। हम लोगों ने जैसे उसको मैंने, हम लोगों ने शूट किया, प्रोडक्ट निकल के आया और वो मामी में सेलेक्ट हुई फर्स्ट रनर, और वहां पर हमको 5D कैमरा मिला। फिर उसके बाद मतलब एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और काफी सारे अवार्ड जीते। तो एक वो फिल्म लोगों को अच्छी लगी, लोग बोले कि इस फिल्म को जो है फीचर फिल्म बनाओ। और जब मामी में गई तो पर सारे लोग यही बोल रहे थे कि हमको लगा कि तुम एकदम नए हो, मतलब कहीं से सीखा नहीं कुछ, तो एक मेरे लिए एक अच्छी थी। तो जहां से मैंने 3 Smoking Barrels मैंने सीखा, मैं हमेशा उन लोगों का भी रेडी रहूंगा, फिल्म का भी रेडी रहूंगा, मैंने उस चीज से मैंने सीखा। तो वो मैंने ट्रिक अप्लाई की अच्छे दिन में। अच्छे दिन से जो एक बम मतलब एक पुश मिला, उसके बाद फिर वीरप्पन करके एक फिल्म है, हाँ राम गोपाल वर्मा की, हाँ तो उसमें उन्होंने जो हिंदी में बनाई, तो उसमें एक छोटा रोल था वेटरे का, तो मैंने वो किया था। तो उसको देख के मतलब यू नेवर नो एक्चुअली, मतलब आपकी लाइफ में क्या होगा, छोटे छोटे रोल भी काम कर जाते हैं, लोग देखते हैं, और जो इंटरनेशनल कास्टिंग होते हैं ना वो देखते हैं, वो देखते हैं। तो अच्छे हाँ, दिन तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बात बिल्कुल सही है कि आपका वीरप्पन का रोल उन्होंने देखा व्हाइट टाइगर में, और व्हाइट टाइगर में फिर आप कास्ट हुए। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा नहीं बताओ ये कैसे भाई, मुझे खोजा कैसे, मतलब मैं तो इतना लोगों के पीछे, मतलब लोग भाव ही नहीं देते हैं, आपने कैसे, और वो भी कैसे कैसे खोज लिया। तो मतलब ये अच्छे अच्छे दिन के बाद में लोगों को ये पता चल गया, और फिर उसके बाद में थ्री स्मोकिंग बैरल्स रिलीज हुई, लोगों को पता चल गया कि नहीं ये लड़के के अंदर इसको अगर अच्छे से इस्तेमाल किया तो टैलेंट है इसके अंदर। फिर उसी समय क्या था कि मैंने भोर फिल्म की थी, वन ऑफ द, तो काफी फेस्टिवल्स में बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल आपका पहला अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला फिल्म फेस्टिवल। हाँ। सारी चीज चलती रही, वीरप्पन भी आ गया, फुकरे रिटर्न्स भी आ गए, सब कुछ हो गया। फिर वो फिल्म जो थी भोर फिल्म, भोर फिल्म देखी थी सुजीत दा ने, सुजीत सरकार, गुलाबो सिताबा बनाई, तो वो मेरे पे उन्होंने विश्वास दिखाया और मुझे गुलाबो सिताबा में कास्ट किया। कास्ट करने के बाद में मैंने हमने वो फिल्म लखनऊ में शूट की। अभी देखिए भोर भी इधर आने वाली है, गुलाबो सिताबा भी इधर आने वाली है, देन यू नो लाइक आई गॉट अ कॉल, इंटरनेशनल कॉल फॉर इंटरनेशनल फिल्म। तो कॉल आया कि भाई एक फिल्म है व्हाइट टाइगर और उसमें ऐसा ऐसा रोल है, तो आप करना चाहोगे क्या? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो उन्होंने मुझे बोले कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वाजंट टू मच गुड। मैंने लिटरेचर तो मैंने पढ़ा है, मैं बोल भी देता था, फ्लुएंसी नहीं थी। हाँ फ्लुएंसी नहीं थी, और समय क्या था कि मैं बोल देता मैं डबल एम हूँ, तो लोग हंसते भी थे कि डबल एम कहा जिसको चाहता भी नहीं, तो मेरे दोस्त लोग मजाक भी बनाते थे। तो उन्होंने बोला कि आती है, मैंने कहा हाँ आती है, मैंने बोल दिया आती है, क्योंकि उस समय क्या था कि हम लोग जब लिटरेचर में, जब हम मेरे साथ ऐसे था कि मैं पूरा आंसर जो है रट लेता था, पूरा आंसर रट लेता, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे एडिटिंग लिख देते, मुझे लगा स्क्रिप्ट मिलेगी रट के जो है ऑडिशन दे दूंगा, ऐसा था। तो उन्होंने बोला आती है, फिर बोले हिंदी में, मैंने कहा हिंदी में। उसका पहले राउंड में उनको पसंद आया, सेकेंड राउंड में डायरेक्टर वॉज देयर, हिंदी इंग्लिश में हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अभी थर्ड टाइम दे लॉक्ड मी, तो मुझे मजा, और बोले कि आप हो चुके हो डायरेक्टर की तरफ से, ओके हो, और अभी जो है ठीक है, आप आपको क्या है अंग्रेजी सीखनी पड़ी। मैंने कहा ठीक है सीख लेंगे, दे हायर ट्यूटर फॉर, उन्होंने हायर किया, मतलब उन्होंने हायर किया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो है मुझे बीएमडब्ल्यू चलानी थी फिल्म में, हालांकि बहुत सारे मेरा जितना व्हाइट टाइगर में देखा हुआ आपने, इसका जस्ट डबल था। अच्छा। तो वो टॉप भी हुआ है उसमें, तो मुझे बीएमडब्ल्यू चलानी थी, तो मुझे उन्होंने मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी मुझे दी। तो मैं देखिए मेरी दो ट्रेनिंग वहां पे हो गई, गाड़ी की भी ट्रेनिंग हो गई, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की भी मेरी हो गई ट्रेनिंग, तो वो सब कुछ उन्होंने किया। फिर अभी ये था कि एंटिक कैरेक्टर था पूरी फिल्म में, तो अभी इसको लुक देना था। ये so for that two times I went Delhi, तो वहाँ पर जो सरीना मैम है, जो आप लंदन गए थे ना उसके लिए लंदन भेजा गया था आपको, वो दिन तो उन्होंने दिल्ली में ट्राई किया, but director wasn't satisfied, मैं मतलब कुछ, तो उन्होंने बोला कि पासपोर्ट है आपके पास, तो एक पासपोर्ट मेरा एक्सपायर कर चुका था, उसी समय क्या था एक महीना पहले मैंने उसको वो रिन्यू करवा लिया था। तो वो सब डेस्टिनी होती है, वो बोलते हैं ना कि अल्केमिस्ट में एक कहावत है कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने में आप मतलब सहयोग करती है, जुड़ जाती है। बहुत अच्छा थी, तो मेरा जो पासपोर्ट था वो देखो काम में आ गया, पूरा पासपोर्ट है, बोले हाँ, मैंने भेजा उनको, और वो इधर उनका प्रोसेस पूरा था, वीजा वीजा सब मिल गया। मिलने के बाद में वो लोग बोले कि अभी आपको 4 नवंबर को आपको जाना है लंदन मेकअप के लिए। मैंने कहा ये in this film, I was the only one who went London for makeup trial. That was, you know, like, for me, that was dream. मैं imagine ही नहीं कर पा रहा था, मतलब ये हो क्या रहा है। तो इतनी सारी चीजें हुई, देखो आपको व्हाइट टाइगर मतलब मिली, कॉल आया, आप लंदन गए, मेकअप कराया, लंदन घूमे, इंग्लिश सीखी, ड्राइविंग सीखी, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया था इस पूरी प्रोसेस में, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया था? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मजा मतलब मुझे जो मेरे लिए था, मुझे ड्राइविंग थी उसमें मैंने मजा लिया, और मैंने इंग्लिश में सीख रहा था उसमें मुझे बहुत मतलब बहुत मुझे मजा आया, क्योंकि जब मैं पहली बार जब मैं गया और टीचर ने मुझसे बोला कि आपको जो है 15 मिनट आपको बोलना है इंग्लिश में, क्या बोल रहे हो नहीं लेकिन इंग्लिश में बोलना है, मैं पूरा पसीना पसीना हो रहा था, बट मैं मतलब अंदर से यू नो लाइक बहुत
उत्साहित था मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन लंदन वाला जो ट्रिप थी ना, दैट वाज फैबुलस फॉर मी. तो वो मुझे एक अलग ही था, एक एडवेंचर अलग था. और फिर जब मैंने शूट किया दिल्ली में, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं रमीन बहरानी, वेरी हम्बल गाय, वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज ओन थिंग्स. कभी एहसास नहीं होने दिया कि मतलब आप जो है आप ये एक्टर हो, आप ये एक्टर हो. और वो काम करने की उनका जुनून, उनका जज्बा जो है, मुझे मेरी मेल के थ्रू आज भी बात होती है, उनको काफी अच्छा लगा. एंड जब फिल्म रिलीज हुई, सो एक्चुअली ही मेल्ड मी एंड ही सेड लाइक हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, दे आर मेंशनिंग योर नेम टू मी, सो दे आर हाईली एप्रिशिएटिंग टू यू. तो मैंने कहा यार मैं ये थोड़ा सा अच्छा लगा, और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो काम करते करते लगा. तो कभी कभी मुझे पूछ भी लेते थे, जैसे कोई दूसरा एक्टर कर रहा है, वो तो नलिश काम है, इसका मीनिंग बताओ, इसको अच्छा से कैसे कर सकते. तो मुझे लगा मतलब वो थोड़ा अच्छा लगता था कि मतलब, तो डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर जी ने बोला भी कि मतलब आप अपनी चीजों के, अपनी जो आपका फ्लेवर है उसके जरिए जो है फिल्म में. हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करी आपने व्हाइट टाइगर में, मतलब यादगार रोल है. मैं वही आपके आने से पहले भी यही बात कर रही थी कि आपको जितने भी रोल जिस फिल्म में मिले हैं, आपकी भूमिका चाहे स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन वो छाप छोड़ने वाला रोल है हमेशा, तो ये काफी अच्छी बात है. गॉड की मेहरबानी है कि अभी तक जितने भी रोल किए हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो सेम है. अच्छा, अभी बीच में हमने बात करी थी सुजीत सरकार की और गुलाबों सितारों की, तो वो भी बहुत ही अलग फिल्म है, क्योंकि जब वो लॉकडाउन में आई थी तो मुझे याद है कि बहुत सारी चर्चा हुई थी कि मतलब कई लोगों को स्लो लगी, कई लोगों को क्रिएटिवली बहुत हाई लगी, कई बहुत सारी बातें उसको भी लेकर हुई थी. लेकिन उसमें आपका रोल बहुत अच्छा था जो कि नौकर का था, और आपका एसोसिएशन उसमें दोनों एक्टर्स के साथ था, मतलब ऑफकोर्स स्क्रीन टाइम अच्छा खासा अमिताभ बच्चन जी एंड आयुष्मान खुराना. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऐसा बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं ऑफ कोर्स, और उनके जैसा कोई नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, क्या गुण वो आपको लगा उनसे उनके साथ काम करते वक्त? क्या है, एक चीज, एज एन एक्टर एक्चुअली ना, आपको जब आपका पैशन पता होता है कि आपको यही करना है, इसके सिवा कुछ करने नहीं, उनके अंदर जो डेडिकेशन है ना बहुत है. मतलब That time, I think 45 degree Celsius temperature was there. और उनका जो मेकअप हुआ था उसमें डबल नोज लगी थी. उनका वो नोज जो नकली वाला निकलता था उसमें से पानी भी मतलब निकलता था, क्योंकि मैंने भी मेकअप करवाया है तो मुझे पता उसमें कितना इचिंग है, प्रोस्थेटिक, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको एज एन एक्टर वो करके एक्टिंग भी करनी होती है. हाँ. मतलब उस गर्मी में वो खड़े हो जाते थे, चलो करते हैं. मैंने कहा कि इतनी उम्र में ये डेडिकेशन है. तो वो एक सीन आपने देखा होगा जहां पर हम लोग सोना ढूंढते हैं कि यहाँ होगा, हाँ. करा होगा, हाँ. करके देखते हैं, हाँ. और वो गिलास देखता है कहाँ होगा ना. तो वो उस समय जो है पूरा जो फर्श था वो एकदम तप रहा था. अच्छा. ऐसे समझे, मैं जब ऐसे करके जब वो घुटना उबल नहीं जाके करता तो मेरा जल गया था घुटना ही, इतनी गर्मी थी. तो मतलब मुझे लगा कि वो इतनी गर्मी वो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. तो उनके अंदर ये डेडिकेशन उनके अंदर है, दैट्स व्हाई इज. और आयुष्मान खुराना को जैसे बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर कहते हैं, मतलब एवरीवन बिलीव्स कि वो आने वाले टाइम में और बेहतर और बड़े कलाकार हो जाएंगे, तो उनके इतना प्रॉमिसिंग होने का मतलब जो ऑडियंस को ये मैसेज जाता है कि इज वेरी प्रॉमिसिंग, आपको क्यों लगता है कि उनको उनमें ऐसा क्या है? वो एक्चुअली उनके साथ क्या है कि तो वो इंसान अच्छे हैं, एक्टर तो अच्छे ही हैं, अच्छे से बात करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम को बखूबी निभाना भी जानते हैं जैसे, और फिर बैकअप होता है तो एंजॉय भी करते हैं. इन दोनों लोगों के साथ एक अच्छी चीज ये है कि जब आप इनके साथ काम करते हो तो ये कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि आप नए हो. सीखने को मुझे दोनों लोगों से बहुत मिला, मतलब अमित जी से मैंने बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी हम लोगों की मतलब कहानियां हैं और अच्छी अच्छी चीजें. कोई कहानी बताओ, कोई कहानी बताओ मजेदार जो हमेशा याद रहेगी. कहानी तो मतलब बहुत सारी है, उसमें से एक कहानी है जैसे जो एक और इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने बताया था कि मेरा मैंने एक ऐड किया है अमित सर के साथ में,
और एक मैंने फिल्म की है, बट मेरा स्टिल आज तक उनके साथ नहीं है कि मैंने खिंचवा लिया कि नहीं, मेरा फोटो चाहिए। तो एक्चुअली जब बैकअप हुआ तो मुझे मुझे भी जो है वो फोटो खिंचवाना था, लेकिन मैं बोलूँ कैसे, आप 45 दिन वहां पे हो, लोग तो लोग जैसे बोलते हैं ना कि मैंने पहला ऐड किया, बोला अरे तुम्हें क्या करना है, हमारी तो होर्डिंग्स लगेंगी बड़ी बड़ी मुंबई, लेकिन वो होर्डिंग्स कभी नहीं लगी। तो बोले फिल्म में हो, पूरी फिल्म में हो तुम, पूरी यूनिट भी आप देखती ना, बाउंसर्स खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं अरे सर आप क्या फोटो खिंचवाओ, अरे आप तो फिल्म में हो ना, ऐसा लगता है। लेकिन मैंने सर को बोल दिया था, मैंने कहा सर सर पैकअप के बाद में 5 मिनट आपसे मिलना है। उन्होंने बोला ओके, गए मेकअप उतरवाया, उतनी देर तक देखो मैं बैठा रहा, मैं 3-4 घंटे बैठा। अब मैं सोचूं कि मैं फोटो कैसे खिंचवाऊं इनसे। आए तो मैंने कहा सर, अरे हाँ बोलो। अब मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा था कि मैं सर फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि वो सर मम्मी आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने ऐसे करके बोल दिया, बोले ठीक है। तो गए चेंज करके आते हैं, खड़े होते लाभ देगा, बहुत भीड़ थी। तो अब देखें कैसे, मेरा वीडियो मेरा ऑन था, घर पे बात चल रही, मैंने कहा घर वालों को तो दिखाई नहीं, घर पे काम चल रहा था, मिस्त्री वगैरह थे वो लोग भी। तो सर ने मेरी तरफ लकड़ी देख लिया, मैंने कहा सर हाय, बोले अरे इधर आओ इधर आओ इधर। तो मुझे खड़ा करते जिस ब्लॉक में खड़े हुए थे पेंटिंग वाले, उस ब्लॉक में मुझे खड़ा किया, और मेरा ऐसे मतलब ऑन था मेरा कैमरा। उन्होंने बोला नमस्ते माता जी, और मम्मी पापा से बात की उन्होंने, वो मेरे लिए दैट वाज एक्चुअली ग्रेट मोमेंट, और हमेशा याद रहेगा। बाकी जब आयुष्मान भाई के साथ में जब काम कर रहे थे, तो उसमें जो है मतलब एक्टिंग करते करते आप चीजें कर जाते हो जो लोगों को अच्छी लगती है, तो आयुष्मान भाई बोलते रहते भाई ये क्या था वो तुमने ऐसे ऐसे करके किया था। बहुत सारी चीजें मतलब यही याद करना चाहते। तो ये इतनी सारी अच्छी यादें हैं, और आई एम श्योर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, सबने देखी हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम नलिनीश को कहाँ देखने वाले, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं ये हमें पता है, आपके पास फिल्म्स हैं। आप फिल्म, अभी एक फिल्म आने वाली है मुन्ना और मुन्नी की शादी, श्रेयस भाई है उसमें, श्रेयस तलपड़े, श्रेयस तलपड़े हाँ, तो उनके सामने एक फिल्म आने वाली है, और बाकी के अभी प्रोजेक्ट्स हैं बट वो अनटाइटल्ड हैं, मतलब इन फ्यूचर 3-4 बड़ी बड़ी फिल्में हैं, तो वो आने वाली हैं, आएंगी बहुत जल्द। तो अभी अभी यही चल रहा है, बाकी तो अच्छी चीज है कि सभी लोग प्रे कर रहे हैं गॉड से कि ये पूरी तरह से कोरोना खत्म हो और चीजें चले, लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो और हमारा भी काम स्टार्ट हो, काम स्टार्ट होगा तभी तो हम एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे तभी तो लोग देखेंगे। एंड नलिनी थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत ही मजेदार बातें आपने बताई, और जर्नी सबसे अच्छी लगी जो इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। All the best for the future endeavors and thank you so thank much. Thank you. मतलब आपके चैनल पे मैं उपासने जी आया हूँ, अच्छा लगा, और ये हमारा पहला इंटरेक्शन है, और आगे भी हम करेंगे ये इंटरेक्शन, बिल्कुल, बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा हमारे लिए। बिल्कुल 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 निकालेंगे टाइम। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।